नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और दिल्ली की एक एक सीट का हिसाब किताब अगले एक घंटे तक अपने इस विशेष बुलेटिन में हम करने वाले हैं। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, हर एक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल ने एक बार फिर से बड़ी तस्वीर राजधानी दिल्ली की साफ कर दी है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा है कि प्रचंड तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। वही आम आदमी पार्टी जिसने 2015 में 67 में से हासिल की थी, लेकिन फिलहाल सर्वे कैसे हुआ उसको आप जान लीजिए। सैंपल साइज हमारा 14,011 का रहा। विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की सभी सीटों पर जाकर हमने लोगों से सीधे सवाल पूछे, जिसका जवाब जो हमें मिला आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस वक्त एक एक सीट का हिसाब किताब आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश होगी। ओवरऑल वोट प्रतिशत निकलकर क्या सामने आया है हमारे इस सर्वे के जरिए, हर एक मतदाता ने कैसे अपने घर से निकलकर वोट डाला और क्या बड़ी बातें उसकी ओर से बताई गई हैं, उसके जरिए हम आप तक वो बड़ी तस्वीर बिग पिक्चर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मत प्रतिशत दिखा देते हैं, एग्जिट पोल का जो मत प्रतिशत है, वोट प्रतिशत, वो देखें जो आपके सामने है। आपको बता दें 54% 2015 में हासिल किया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में 56% वोट शेयर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसको 32% 2015 में मिले थे, लेकिन 35% वोट शेयर इस बार, यानी कि 3% की बढ़ोतरी जरूर हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी का पिछले प्रदर्शन से भी और ज्यादा बुरा हाल, सिर्फ 5% पर सिमटती हुई, और यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर, 56% वोट शेयर यहां पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब इन्हीं वोट प्रतिशत को अगर हम सीटों में तब्दील करके आपको दिखाएं तो सीटों का आंकड़ा क्या करता है, क्या बोलता है, जल्दी से उसकी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन 70 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों का जो जवाब हमें मिला है उसके हिसाब से आप देखें, यहां पर 59 से 68 सीटें तक आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। पिछली बार 70 में से 67 सीटें उसे हासिल हुई थी और इस बार मैक्सिमम 68 तक दिख रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 211 सीटें, 3 सीटों पर बीजेपी ने 2015 में जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी का पिछली बार की तरह ही सूपड़ा साफ होता हुआ, यानी कि 70 में से एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर उसको बढ़त दिखाता हुआ मतदाता नजर आए, और यहां पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रचंड तरीके से, शानदार तरीके से वापसी करती हुई हमारे इस एग्जिट पोल में। हालांकि फाइनल नतीजे तो 11 तारीख को आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें आज तक एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल अब तक जिस तरह से सटीक साबित होता रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित, हालांकि ईवीएम को लेकर वो सवाल खड़े कर रही है, उस पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम दिखा रहे हैं एक एक लोकसभा के हिसाब से विधानसभा सीटों को, अगर हम देखें पश्चिमी दिल्ली का ये हाल आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 7 से 9 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, 1 से 3 सीटें बीजेपी के लिए कही जा रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर खाता खोलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि हर लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा की सीटें हैं और एक एक लोकसभा के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी बढ़त पाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जो कि 7 से 9 सीटें आम आदमी पार्टी को देती हुई, और ये वो दिल्ली है उत्तर पूर्वी की जो कि मनोज तिवारी की सीट है, यहां पर देखिए बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पाती हुई, जबकि आम आदमी पार्टी अपना पिछला यानी कि 2015 का प्रदर्शन एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली पर दोहराती हुई वो कामयाबी नजर आ रही है। और अब पूर्वी दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है। लोकसभा के 10 विधानसभा सीटों के हिसाब से अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा यहां पर गलत निकलकर सामने आ रहा है, 0-0 वो होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी को 9 से 10 सीटें, वहीं बीजेपी को 0 से 1 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी दिल्ली की हमने तस्वीर आपको दिखाई, और अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करती हुई 9 से 10 सीटें तक यहां पर मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं, 0 से 1। वहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर भी अपना खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि पूर्वी दिल्ली आपने देखा, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, हर जगह आम आदमी पार्टी को बढ़त हासिल है। और अब चांदनी चौक की 10 लोकसभा के हिसाब से अगर विधानसभा की बात करें, 10 विधानसभा 9 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी 0 से 1, और यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट है चांदनी चौक, जहां पर बीजेपी 0 से 1, जबकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती हुई दिखाई दे रही है। और नई दिल्ली सीट की लोकसभा के हिसाब से 10 विधानसभा को हम देखें, एक नई दिल्ली सीट से खुद मुख्यमंत्री
उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। 9 से 10 सीटें नई दिल्ली में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी, जबकि बीजेपी 0 से। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी कोई खास प्रदर्शन करती हुई उसका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपने देखा कि लोकसभा के लिहाज से विधानसभा की एक एक सीटों की जो बिग पिक्चर है, बड़ी तस्वीर, वो आपके सामने रखने की कोशिश। हर जगह जितनी भी लोकसभा है, यानी कि 7 लोकसभा की 70 विधानसभा की सीटें साफ तौर पर इस बात को इंडिकेट कर रही हैं, संकेत दे रही हैं। ये मैसेज जा रहा है कि हर जगह आम आदमी पार्टी को ही बढ़त है। और अब आगे बढ़ते हुए महिलाओं और पुरुषों की पसंद के लिहाज से अगर हम देखें तो महिलाओं ने किस पार्टी को ज्यादा पसंद किया, किसको कम किया, और पुरुषों ने किस पार्टी को ज्यादा वोट दिया, कम दिया, उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषों की। आपके सामने ये बड़ा आंकड़ा, आप देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी पुरुषों की पसंद में 53% वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उसके आसपास खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हनुमान जी की तस्वीर और ये मेट्रो भी चलती हुई। फिलहाल आम आदमी पार्टी को 53% पुरुषों ने अपनी पहली पसंद माना है, सिर्फ 38% भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6% जो पुरुष मतदाता हैं राजधानी दिल्ली के, उन्होंने पसंद किया है। यानी कि यहां पर बहुत बड़ा गैप आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, यानी कि पुरुष मतदाताओं के बीच भी बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी पुरुष मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही है। और इसी वजह से आंकड़े सीधे सीधे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पुरुष मतदाताओं की पहली पसंद आम आदमी पार्टी ही रही है। और अब महिला मतदाताओं की बात कर लेते हैं। महिला मतदाताओं से जब ये सवाल पूछा गया कि आपकी पसंद कौन सी है, कौन सी पार्टी जिसके ऊपर आप भरोसा करती हैं, तो महिला मतदाताओं की ओर से जो जवाब दिया गया है वो देखिए, ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। महिलाओं ने काफी बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट किया है। एक बार फिर से वो आंकड़ा आपके हम सामने रखेंगे। महिला मतदाताओं की ओर से ज्यादा भरोसा किया गया है, 59% महिला वोटरों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया है, जबकि सिर्फ 32% भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी को 4 और अन्य को 5% महिलाएं बताती हुई नजर आई। फिलहाल ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है, 59% एक बहुत बड़ी तादाद महिलाओं की, यानी कि महिला मतदाताओं से जो अपील करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वोटिंग के दिन नजर आए कि महिलाएं अपने घर के पुरुषों से कहें कि वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, ऐसा लग रहा है कि ये तमाम मुद्दे, चाहे सरकारी स्कूल में शिक्षा का मसला हो, ये महिलाओं के बीच काम कर गया। और इसी वजह से यहां पर हम देख रहे हैं 59% महिला मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट की बात कही, जबकि सिर्फ 32% बीजेपी के बीच में। और अब अलग अलग समुदायों के हिसाब से भी आपको बताना बेहद जरूरी है कि किस समुदाय के बीच किस पार्टी की बड़ी पैठ रही है, तो यहां पर वो बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्लीवासी देखिए 55% आम आदमी पार्टी के पक्ष में, बीजेपी को 35% और सिर्फ 6% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मूलतः दिल्ली के निवासी हैं, ये मूलतः दिल्ली के निवासी हैं, उन्होंने कहा है 55% आम आदमी पार्टी, बीजेपी 35, कांग्रेस 6। जबकि अगर पूर्वांचली वोटर की बात करें, आपको बता दें तकरीबन 27% पूर्वांचली वोटरों की तादाद है राजधानी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को 55% वोट बैंक यहां पर पूर्वांचलियों का हासिल होता हुआ हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से। बीजेपी को 36%, कांग्रेस पार्टी को 4% और अन्य के खाते में 5%, यानी कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भी ज्यादा भरोसा पूर्वांचली वोटरों ने किया है, वो भी तब जबकि पूर्वांचली बड़ा चेहरा है मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। और अब बात करें पंजाबी वोटरों की, आपको बता दें पंजाबी खत्री वोटरों की तादाद तकरीबन 7% है राजधानी दिल्ली में, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 60% पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, आधे पर बीजेपी यहां पर सिमट जाती है सिर्फ 31% के साथ, जबकि 4% कांग्रेस पार्टी में। यानी कि सबसे ज्यादा पंजाबियों ने भरोसा किया है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के ऊपर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जो लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं उनकी बात करें तो आपको बता दें आम आदमी पार्टी को 61% राजस्थानियों ने अच्छी पार्टी माना है, अपना वोट दिया है। 61% पर भरोसा राजस्थान के लोगों ने जताया है जो कि राजधानी दिल्ली में रहते हैं। बीजेपी को 30%, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4% लोग
पूर्वांचली, पंजाबी और राजस्थानी, ये जो दूसरे अलग राज्यों से आकर राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जब उनसे हमने ये सवाल पूछा था तो उसका जवाब किस रूप में मिला, चाहे पूर्वांचलियों की बात करें, पंजाबी खत्रियों की बात करें, राजस्थानी वोटरों की बात करें, सबने बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को अपनी पहली पसंद माना है। अब इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाहर से भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आलोक जी और आशुतोष जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है स्टूडियो में। पहला सवाल मेरा यही आलोक जी आपसे, ये बड़ा भरोसा जो बाहर से आए हुए लोग हैं या फिर जो मूलतः दिल्ली के लोग हैं आम आदमी पार्टी पर अगर जता रहे हैं तो उसके पीछे की दो बड़ी वजह, बड़े कारण क्या मानते हैं आप? देखिए चित्रा जी, ये तो आपने जैसे शुरू में भी बताया है अपने दर्शकों को कि ये एक सर्वे है और इसलिए हम इसको नतीजा नहीं कह रहे हैं, ये खास करके बताना जरूरी है क्योंकि एक एक ट्रेंड बताता है। जिस तरह से कहते हैं कि चावल का दाना कितना पका है, और सबसे बड़ी बात जो सबसे हम और आपने भी जिनने उन्हें पूछा, जिनसे बात किया, सब क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे जो बिजली एकदम मुफ्त जहाँ जहाँ गरीब लोगों को मिली, और उसी तरह से स्कूल और अस्पताल, ये एजेंडा खुद केजरीवाल जी ने माना था। अब उसको ठीक है, उसकी दृष्टि से जो वोट का दिखाई देता है, कल जो परसेंटेज आया है, ये बात सही है कि अभी भी परिणाम आखिरी तीन घंटे में क्या इन्होंने वोट डलवा दिया, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन ट्रेंड निश्चित रूप से जो उनको जो लाभ मिलता है, ये बात सही है कि जो एक कहा जा रहा था कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कराने से लाभ मिलेगा, इसके बजाय विकास का मुद्दा, चाहे ऐसा नहीं है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने क्या कहा, आयुष्मान भारत की योजना यहाँ पर कैसे लागू हो, कैसे मकानों जो उनको मकान बनाने के लिए कैसे हो, या बीजेपी ने जो कोशिश की थी झुग्गी झोपड़ी वाले जो अनधिकृत कॉलोनी का उपाय ना, नहीं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कामयाब नहीं हुई, हमारा सर्वे ये कह रहा है नजर आ रही है। इसका मतलब विकास का जो एजेंडा है वही ज्यादा प्रमुख रहा है, ठीक है। और इस तरह से सांप्रदायिक या जिसको कहा जाता है कि भाई ठीक है शाहीन बाग को लेकर के मुद्दा बना रहेगा, वो नहीं आया। और बल्कि आपके सर्वे में भी कल भी गुप्ता जी ने, जो हमारे सर्वे जिन्होंने किया है, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि नहीं 1% है जो इसको मानते हैं, ठीक है, इशू ही उसको ज्यादा नहीं प्रमुखता दी गई, असली इशू लोगों के लिए रहा है बिजली पानी सड़क जो उनको सुविधा। और वही हम एग्जिट पोल की बड़ी बातों में भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में अगर मतदाताओं ने प्रचंड तरीके से वोटिंग की है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, और जो खोलकर मतदाता ये बताने में भी कामयाब रहे कि हमने आपको क्यों चुना है। दो बातें आशुतोष अगर आप बता पाए। देखिये दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपका सर्वे स्पष्ट तौर पर कहता है कि महिलाओं ने पुरुषों से बढ़कर वोट किया है, 6% का फर्क है, 53% पुरुषों ने किया है तो 59% जो है वो महिलाओं ने किया है। इसका मतलब यह है कि जो महिलाओं को मेट्रो और बसेस के अंदर जो फ्री राइड की सुविधा दी उसका बहुत स्पष्ट असर है। दूसरी बात है कि 18 से 25 साल के जो युवा हैं उनके बीच में भी बड़ा डिसाइसिव फर्क आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर एक अट्रैक्शन दिखाई पड़ता है। तो ये एक दूसरा फैक्टर है कि जो नया वोटर है, जो न्यू वोटर है, उसने भी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि बिजली और पानी, इसका असर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपके ओपिनियन पोल में नजर आता है। और चौथी बात अगर आप ध्यान से देखें तो एससी तबका, जो दलित तबका है और मुस्लिम तबका, इसने लगभग 2/3 वोट, बल्कि मुस्लिम तबके ने तो करीब 90% वोट जो आम आदमी पार्टी को दिया है, और जो दलित तबका है करीब 67 से 68% उसने दिया है। तो ये एक चंक वोटिंग जो हुई है इसका बहुत बड़ा फायदा। कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बीजेपी को किसी भी, अगर ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट के कुछ तादाद हम छोड़ दें तो हर जगह आम आदमी पार्टी भारी पड़ती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है। शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशि जी, आपको एग्जिट पोल की अगर दो बड़ी बातें मैं आपसे पूछूं, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुषों हों या फिर बाकी दूसरे अलग अलग राज्यों से आने वाले मतदाता हों, कर रहे हैं तो क्या नजर आया आपको, बड़ी बातें क्या है? देखिए मुझे एक सबसे अच्छी बात, मैं जो भी टिप्पणी कर रहा हूँ वो इस सर्वे के आधार पे कर रहा हूँ, मैं किसी रिजल्ट का आकलन नहीं कर रहा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सर्वे ठीक होगा, आपके सर्वे पहले ठीक आते रहे। तो इस सर्वे के आधार पे जो टेक अवेज है मेरे, सबसे पहला ये है, मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में दिल्ली ने फैसला बिल्कुल एक सोच समझ कर एक तरफ दिया था, और विधानसभा के चुनाव में दिल्ली उसी तरीके से सोच समझ कर दूसरी तरफ फैसला दे रही है। ये भारतीय लोकतंत्र के बलवान होने का संकेत है कि वो दो विपरीत ध्रुवों को भी एक साथ लेकर चलने का साहस और हौसला जुटा पा रहा है, नंबर वन। नंबर दो, दिल्ली सिर्फ विकास, कोई एक आदमी विकास पुरुष हो ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली ने एक बात और ये तय कर दी कि दिल्ली सिर्फ विभाजन या दिल्ली सिर्फ अलगाव के बूते नहीं चलती है,
दिल्ली हमेशा से एकता की का एक शहर है और ये सीधे और सपाट जो पब्लिक के मुद्दे थे उन्हीं को चुन कर चल रही है। बिल्कुल। लोकसभा में भी जो चुनाव थी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के उस विकास के एजेंडे की भी जीत थी जो उन्होंने गांवों में, शहरों में पेंशन याफ्ताओं के साथ जो किया था उसका उन्हें लाभ मिला था। पुलवामा और राष्ट्रवाद अपनी जगह है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी अगर आज बढ़त बनाए हुए इस सर्वे में दिखाई पड़ते हैं, बल्कि सभी सर्वे में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो एक जरूर संकेत है कि दिल्ली ने मन भर कर विकास के फेवर में दोनों बार वोट किया। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ये सच भी है। अगर सिर्फ हम 6-7 महीने पहले जाएं तो 2019 में जिस राजधानी दिल्ली ने पूरी की पूरी 60 लोकसभा की सीटें दे दी थी भारतीय जनता पार्टी को, और अगर विधानसभा के लिहाज से हम देखें तो 65 सीटों पर उसकी बढ़त थी। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर 5 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीनों में जिस तरह अपनी छवि बनाई, चाहे अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी की बात करें, तो एक बार फिर से दिल्ली का भरोसा जीतती हुई ये नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अनिल भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं, प्रीति मेनन हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता मौजूद हैं, और सैयद जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। इन तीनों के पास चलूं, लेकिन उसके पहले संजय कुमार जी, ये जो प्रचंड वापसी आम आदमी पार्टी की इस एग्जिट पोल के जरिए हमें आती हुई दिखाई दे रही है राजधानी दिल्ली में, अगर इसकी हम बड़ी बात आपसे दो पूछें तो आप क्या बताएंगे? आखिर दिल्ली का मिजाज क्या रहा कि 7 महीने पहले जिस पार्टी को चुनती है उसको खारिज करके जो तीसरे नंबर की पार्टी रहती है उसको सिरमाथे पर बिठा देती है? देखिए, दिल्ली के मतदाताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि ये वोट किसके लिए है। 9 महीने पहले जब दिल्ली के मतदाता वोट दे रहे थे उस वक्त उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था वो केंद्र की सरकार चुनने के लिए वोट दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। इस वक्त जब कल दिल्ली के मतदाताओं ने वोट दिया उनके दिमाग में ये बात बहुत स्पष्ट था, ये केंद्र के लिए वोट नहीं है, ये राज्य के सरकार बनाने के लिए वोट है, ये चीफ मिनिस्टर ने कैसा कामकाज किया उसके लिए वोट किया है। और इस बात का उन्होंने बखूबी एक तरह से विश्लेषण किया और उस हिसाब से मतदाताओं ने अपना मन बनाया कि दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही बेहतर है, और यही वजह है कि जो एग्जिट पोल के जो अनुमान है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी बड़ी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर और अगर दूसरी बात की हम जिक्र करें, निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी ने अपने कामकाज की बदौलत लड़ा, और अगर एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है जनता ने आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा कामकाज किए गए कामकाज पर एक तरह से मुहर लगाई है। बिल्कुल। शाहीन बाग मुद्दा क्यों नहीं बन पाया, इस बड़े सवाल पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब आपका रुख करते हुए, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, न जाने कितने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, 11 मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, 200 से ज्यादा सांसद, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े तो आपका बता रहे हैं कि हाल बेहाल है राजधानी दिल्ली में, ऐसा क्यों हो गया? देखिए चित्रा जी, शायद इस एग्जिट पोल में जो आंकड़े लिए गए हैं वो, या सैंपल जो लिया गया है वो 3 बजे तक का फीडबैक है उसमें, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सभी लोगों ने भी 3 बजे तक का रखा है, जो लास्ट में 4 बजे से 6 बजे तक, बल्कि 7 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो कैप्चर नहीं हुआ। और मुझे उसकी पूरी उम्मीद है कि जो हमें फीडबैक आया है, जो हमारे पन्ना प्रमुख और हमारे बूथ पे जो काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है उसके बेसिस पे ये आंकड़े जो, ये नंबर्स जो दिखा रहे हैं उसको कतई मैं मानने से इनकार करता हूं, इसलिए कि हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हमें जरूर 45 से 48 सीटों के बीच में हमें जरूर आएगा। और आप अगर देखिए, जब रात में हम लोगों के पास फीडबैक आया उस सारे बूथ से, जब उनके सब फीडबैक लेकर जब हमने इकट्ठा करके देखा, तो उस वक्त मनोज तिवारी जी ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट किया और कई चैनलों पर उन्होंने कहा कि हमारा बाइट भी आप याद रखिएगा, सेव करके रखिएगा, इसलिए कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो 3 बजे तक के, और 3 बजे से 7 बजे के बीच में जो हुआ है वो आपने बिल्कुल कैप्चर नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता मतलब है, बूथ पे कार्यकर्ता घर घर तक जाते हैं, 3 बजे के बाद लेकर आते हैं, उनको परसुएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और वोट दिलवाते हैं और दिलवाया है। शशि शेखर जी को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक जल्दी से सवाल है मेरा, जफर तो शायद आज जो लोग खुश है हम उन्हें खुश रहने देते हैं 40 घंटे और खुश रह ले, आप उसके बाद उन्हें उदास होना ही पड़ेगा और उनको उदासीन देखना, हम सब आप सब लोग उदासीन देखेंगे। जफर इस्लाम साहब मेरा एक सवाल सुन ले, खुशी गम तो चलता रहेगा, लोकतंत्र है, किसी को खुशी किसी को गम मिलता है। सवाल ये है मेरा कि 8 बजे से 3 बजे तक
मतदान का एक ट्रेंड रहा। मान लेते हैं आपकी बात कि 3 बजे के बाद किसी ने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, 3 बजे तक जो मतदान हुआ, क्या वो 4 यानी 7 घंटे में जो मतदान हुआ वो 4 घंटे के मतदान से बिल्कुल 180 डिग्री पे बदल गया? ऐसा बड़ा आश्चर्य नहीं लगता आपको कि 7 घंटा एक तरफ और 4 घंटा एक तरफ? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप जो जिस बात का खुलासा करवाना चाहते हैं, मैं उस बात का खुलासा भी करता हूं और साथ साथ अपनी बात में उस पर जोड़ लेता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने पूरे सब 3 बजे से हमारे जो लोग घर घर तक गए, सुबह से भी जा रहे थे, लेकिन जो हमने देखा कि कहीं बहुत बड़ी कतार लगी हुई और कहीं छोटी कतार, उस छोटी कतार को हमने बहुत बड़ी कतार में तब्दील कर दिया, ये ज़रूर है। और उसको इसीलिए वोट जो है 7:30 बजे तक वोटिंग होती रही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता सिर्फ 3 बजे से नहीं, सुबह से लगे थे। और मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट के 2 घंटे में जो 20% वोटिंग हुई है वो बहुत फेवरेबल वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे उसकी उम्मीद है, उसके बेसिस पे उम्मीद है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सुबह जो वोटर डर रहे थे, फिलहाल मैं आंकड़ा दे देती हूँ, हमारे वोटर, हमें अपने वोटरों के बारे में मालूम रहता है, शाम तक का आंकड़ा तकरीबन 61.5% के आसपास का था। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि 3 बजे के बाद आपके आंकड़े सारे मालूम है। ठीक है सर, दर्शकों को बताने के लिए मैंने ये जानकारी दे दी। ठीक है, आपको ये अंदाजा कैसे हुआ कि सुबह का जो वोटर है वो बीजेपी का नहीं है और शाम वाला वोटर बीजेपी का है, ये बता दीजिए, किसके आधार पे, कपड़ों के आधार पर पहचाना आपने? नहीं, देखिए चित्रा जी, इसीलिए मैं कहता हूं ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करेंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करेंगे तो जवाब दे पाएंगे, इसलिए कि हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, हम घर तक पहुंचते हैं और उसका हर घर के एक सभी फर्दों को जानते हैं कौन वोटर देता है हर बूथ में। आप हमसे पूछिएगा किस बूथ में कितना वोट है, कितने लोग हमारे देने वाले हैं, तो हमारे परिचय, हमारे पन्ना प्रमुख को वो मालूम रहता है। वो आपने घुमा दिया आशुतोष को, जोड़ना चाह रहे हैं प्रीति, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कैडर बेस पार्टी नहीं, वो नहीं है, समझ गए आप, अपने कैडर पे भरोसा था कि सुबह वाला वोटर आपका है। कि बीजेपी एक खतरनाक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी पोलस्टर ये नहीं बता सकता कि सिर्फ 48 सीटें होंगी, तो मनोज तिवारी को खुलकर सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि 48 सीटें कौन सी है जहां पे वो जीत रही है। मैं कम से कम 25 साल मुझे भी हो गए हैं तमाम पोलस्टरी करते ना करते हुए, बल्कि उसका समरा आकलन करते हुए। दूसरी बात जो एक समझ में नहीं आती है कि आप 3 बजे तक के सारा जो 22% का गैप है उसको सडनली आप डिस्प्रूव कर देते हैं और उसके बाद अचानक 3 घंटे के उसको और इस नैरेटिव को आप पूरे देश के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं। ये नैरेटिव ठीक नहीं है, क्योंकि अभी चाहे ओपिनियन पोल रहे हो चुनाव के पहले के, चाहे एग्जिट पोल रहे, सारे के सारे कम से कम 20% जरूर पूरी कीजिएगा। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन आशुतोष जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, जफर इस्लाम साहब, उसका जवाब आपको देना होगा। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, ये सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर जारी है, आप देखते रहिए। लगातार बड़ी कवरेज इस बात को लेकर हम कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं साफ साफ इस बात का संकेत करते हुए कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड तरीके से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वापसी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी कर रहे हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले अब जातियों के आधार पर आपको वो बड़े आंकड़े दिखाते हैं, किस जाति ने किस पार्टी के पक्ष में वोट किया है, कौन सी जातियों में अलग अलग पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है। सबसे पहले सामान्य ब्राह्मण वोटरों की बात कर लेते हैं। 35% ब्राह्मण मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, जबकि बीजेपी को यहां पर आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 57% मतदाताओं की पहली पसंद ब्राह्मण वोटरों की भारतीय जनता पार्टी, अब जबकि कांग्रेस की काफी ज्यादा कम है। ब्राह्मणों की तादाद जो राजधानी दिल्ली में है वो तकरीबन 13% है। दलित वोटरों की हम बात करें, अनुसूचित जाति आप यहां पर देख रहे हैं 65% यहां पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पक्ष में, 24% बीजेपी के पक्ष में, जबकि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा पीछे। आपको बता दें कांग्रेस का तो ये परंपरागत वोट बैंक रहा था, दलित वोटर ब्राह्मण वोटर, लेकिन कांग्रेस कहीं टिक भी नहीं रही है। दलित वोटर ने सबसे ज्यादा भरोसा आम आदमी पार्टी पर जताया है, और दलितों में भी अगर वाल्मीकि समुदाय की बात करें तो 67% आम आदमी पार्टी के पक्ष की बात करते हैं, सिर्फ 18% बीजेपी की बात करते हैं, 9% कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, 67% वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। ये बातें निकलकर इस एग्जिट पोल के
जरिए सामने आई हैं। आपको बता दें दिल्ली में सबसे बड़ा ये दलित समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय। आपको याद भी होगा वाल्मीकि मंदिर से ही आम आदमी पार्टी की स्थापना की शुरुआत हुई थी और वाल्मीकि मंदिर ही जाकर अपना मत्था सबसे पहले टेका था अरविंद केजरीवाल ने, जब वो नामांकन के लिए जा रहे थे और वहीं से उनका रोड शो भी शुरू हुआ था। और अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी जातियों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी 54% यहां पर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हुए। ओबीसी वोटर बीजेपी को दूसरे नंबर पर रख रहे हैं, लेकिन दोनों में कहीं दूर दूर तक टक्कर नहीं। 38%, जबकि 5% कांग्रेस पार्टी। पंजाबी वोटरों की बात करें, आप देखिए 60% आम आदमी पार्टी, 31% बीजेपी, 4% कांग्रेस पार्टी। पंजाब और खत्री वोटर यहां पर तकरीबन 7% के आसपास हैं, जिनकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी है, बीजेपी दूसरे नंबर पर, लेकिन दोनों के बीच में तकरीबन 29% का बहुत बड़ा गैप है। यानी कि किसी भी जातियों में अगर हम ब्राह्मण वोटरों की बात कर दें तो बीजेपी अपनी पैठ बना पाने में कामयाब नहीं रही है। और अब आगे बढ़ते हुए झुग्गी झोपड़ी वालों की बात कर लेते हैं। जहां झुग्गी वहां मकान की बात आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी, जबकि झुग्गियों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने डेरा डाला हुआ था चुनाव के ठीक पहले, लेकिन झुग्गी वोटरों की पहली पसंद कौन? आम आदमी पार्टी 65% के साथ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, झुग्गी वोटरों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी 65% के साथ, भारतीय जनता पार्टी 25% के साथ, कांग्रेस पार्टी 4% के साथ। यानी कि झुग्गी में जाकर सांसदों का रहना भी काम नहीं आया बीजेपी के लिए, और झुग्गी वालों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी ही बनी है। कॉलोनी के वोटर आम आदमी पार्टी के ऊपर 56% लोग भरोसा जताते हुए, बीजेपी के ऊपर सिर्फ 35% लोग। यहां पर भी जो कॉलोनी में रहने वाले वोटर्स हैं उनमें भी बहुत बड़ा गैप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से तीसरे नंबर पर यहां पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो बिल्डर्स फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उनकी अगर हम बात करें, अनाधिकृत कॉलोनियों वालों की के ये आंकड़े हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। यहां पर भी पहली पसंद आम आदमी पार्टी ही बनती हुई दिखाई दी है। और अब अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास की बात कर लें, जो कि कोठियों में रहने वाले मतदाता हैं, उनकी पहली पसंद क्या आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, इसका आंकड़ा आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी का रुख कर लेती हूं। प्रीति मेमन से अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। प्रीति, ये जो भरोसा है तकरीबन अगर ब्राह्मण वोटरों को हम छोड़ दें या अपर कास्ट की एक दो जो तादाद है, हर जगह आम आदमी पार्टी प्रचंड तरीके से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, तमाम वोटरों का भरोसा आपके ऊपर है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि अभी नतीजे आए नहीं। ईवीएम को लेकर आप लोगों की ओर से सवाल पूछ दिए गए, एसी को लेकर आप लोगों ने क्वेश्चन किए, ये कहते हुए कि दरअसल अब तक पूरे वोट फीसदी कितने प्रतिशत वोट राजधानी दिल्ली में पड़े हैं ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नहीं किया गया। क्या किसी बात का डर भी है? एग्जिट पोल तो आपको साफ साफ दिखा रहे हैं जीतते हुए, फिर इस डर के पीछे की बड़ी वजह क्या है प्रीति? ओपिनियन पोल्स ले लीजिए, एग्जिट पोल्स ले लीजिए, हमारा खुद का पोल ले लीजिए या जमीन पे किसी से भी पूछ लिए, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बन रही है, ये पूरा यकीन है हमें। लेकिन जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने 48 सीट्स की बात की, इससे लगता है कि वो कुछ इलेक्शन हाईजैक करने का प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्ट 48 सीट्स वो कैसे बोल सकते हैं, ये थोड़ा एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट है उनका। लेकिन वो ये तो इसके अलावा दूसरी बात ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव खत्म होके ऑलमोस्ट अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी इनकी जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थी किरण बेदी जी, उन्होंने यही कहा था कि ओपिनियन पोल 3 बजे तक के हैं, इसके बाद हमारे वोटर आए वोट करने और इसके बाद ही सब बदल जाएगा और हम चुनाव जीतने वाले हैं। तो ये तो जो भी पार्टी के खिलाफ ओपिनियन पोल है वो बोलते ही हैं कि 3 बजे तक के ओपिनियन पोल्स हैं, उसके बाद सब बदल जाएगा। तो ये ईवीएम को लेकर आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? लेकिन सीरियस थिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वोटिंग परसेंटेज, आपने कल देखा कि कल 2-3 जगह ऐसे मुद्दे सामने आए, एक आया चांदनी चौक में, एक कहीं पे बसेस में ईवीएम पाई गई। तो ईवीएम में कुछ अगर गड़बड़ी हो रही है, इससे चिंता हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए है, क्योंकि अगर किसी वोटर के मतदान को हाईजैक किया जाता है तो उसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। लेकिन बाय एंड लार्ज हम कॉन्फिडेंट है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। अगर कुछ घोटाला होता भी है, इट कैनॉट चेंज अ विनिंग इलेक्शन इनटू अ लूजिंग वन।
ऐसा कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं कर सकते वो चेंज के इलेक्शन का पूरा रुख ही बदल जाएगा। तो सरकार तो हम बना रहे हैं, लेकिन दुख की बात है जफर कि अगर सिस्टम्स में इतनी वीकनेसेस हैं जो किसी सत्ताधारी पार्टी को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए, उनका ये कहना है कि कुछ भी कर ले सत्ताधारी पार्टी, सरकार तो आम आदमी पार्टी ही बना रही है। देखिए चित्रा जी, चलिए मैं इनको खुश रहने देता हूँ, 40 घंटे और उनके पास है, जितनी खुशी मनाना चाहें वो आप मना सकती हैं। आप अभी लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बताइए, सभी इलेक्शन में, कई इलेक्शन में हम हारे भी हैं और जीते भी हैं, आप अभी खुशी में हैं या गम में हैं ये बता दीजिए। बिल्कुल हमारा रवैया बिल्कुल साफ है, हमने बिल्कुल खुश हूँ और खुशी से कह जो है झूमूंगा जो है वो 11 तारीख को, आज सिर्फ खुशी मना रहा हूँ, झूमना का काम है जो 11 तारीख को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ चित्रा जी कि हमने बहुत सारे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीते भी हैं और हारे भी हैं, हमने कभी ईवीएम को, हमने कभी ईसी को, हमने कभी किसी और को ब्लेम नहीं किया है, हमने मतदाताओं का उसके बावजूद शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद दिया है। सर आपने तो बुक लिखी थी और हमसे जो कमी हुई है उसको ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी से ये समझ में आता है, खुशी पर यही समझ में आता है कि इन्होंने इसके बारे में लॉन्च किया था। सर आपने किताब लिखी थी। अरे भाई आपको आपको लगता है कि आप इलेक्शन हार जाएंगी तो आप मनोज तिवारी जी के ट्वीट से आपको डर लगने लगता है, उससे समझ में आता है कि ये पार्टी जो है वो हार रही है और ये सिर्फ जो ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स पे डिपेंड है। नहीं नहीं, लेकिन एक और सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने जिसको मुद्दा बनाया है लोगों ने दिया है, आपका सैंपल सर्वे जो है जफर इस्लाम साहब, सैंपल सर्वे 14,000 ठीक है सर, जब वही 2019 में हम आंकड़ा देते हैं तो आप लोग पहले ही जश्न मनाने लगते हैं, लड्डू खिलाने लगते हैं। हमारे सैंपल सर्वे देखिए ठीक है सर, एक एक वोटर्स की लिस्ट है हमारे पास, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमने महाराष्ट्र का और हरियाणा का भी दिखाया था और दोनों राज्यों में क्या हाल हुआ था, महाराष्ट्र आप जीते अपनी सहयोगी पार्टी के साथ, हालांकि बाद में क्या हुआ उस पर दोनों जगह हमारे, लेकिन हरियाणा में हमने बताया था कि बीजेपी की स्थिति क्या बनने वाली है। ठीक है, प्रचंड बहुमत नहीं आने जा रहा है, रही है। ठीक है सर, अब मैं लौट आती हूँ, एक बार ये बताइए ये जो 48 का आंकड़ा है, हमारी सरकार बनने, देखिए हरियाणा में सरकार है। ठीक है सर, हरियाणा नहीं जाते हैं, एक बार दिल्ली आ जाते हैं, मैं आपसे चाहूंगी ये जो 48 सीटें आप लोग दे रहे हैं संक्षेप में बताइएगा, ये आंकड़ा कहाँ से लेकर आए हैं, 48 का आंकड़ा कहां से, कौन कौन सी सीटें एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी जीत रही है? मैंने पहले देखिए चित्रा जी, हाँ, मेरे पास तो वो सारे लिस्ट भी होगी अभी मेरे फोन में, जो जहां हमें फीडबैक के बेसिस पे लगता है कि हम जीतेंगे, और वो जीत जो है 45 से 48 सीटों में ऐसा है कि हमें जो फीडबैक आया है अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो फीडबैक आया है उसके बेसिस पे, नहीं मैं आप कह रहे हैं आपके फोन पे है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 4-5 अरे थोड़ा खुशियां मना लीजिए, चंद घंटे हैं खुशियां मना लीजिए सर, आपने आपको जफर 40 घंटे के बाद ना आशुतोष जी की आवाज निकलेगी ना आपकी निकलेगी। नहीं नहीं जफर साहब, मेरी आवाज तो नहीं निकलेगी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी चूंकि आवाज निकल रही है और बहुत बुलंद निकल रही है, तो अभी आपने कहा कि आपके फोन में वो नंबर है, वो चले ठीक है, मुझे तो लगता है जफर इस्लाम साहब को बता दीजिए। आशुतोष हम थोड़ा सा समय दे देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन फोन के वो आंकड़े निकाल कर रखिए जफर इस्लाम साहब, क्योंकि दिल्ली के साथ ही देश को भी इंतजार होगा कि आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जो प्रचंड तरीके से बीजेपी जीत रही है, जिसका दावा आपके मुखिया दिल्ली के और साथ ही आप भी जफर इस्लाम साहब करते हुए नजर आ रहे हैं इस शो में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, अनिल भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, अभी तक मैं नहीं आ पाई हूँ, न 3 में न 13 में कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है, इसी सवाल के साथ लौटेंगे, आप देखते रहिए। 59 से 68 सीटें हासिल करते हुए हमारे एग्जिट पोल के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 से 11 सीटों पर सिमटती हुई, कांग्रेस पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। इस सेगमेंट में हमने आपको दिखाया है कि दिल्ली वाले किसके साथ है, पूर्वांचली वोटर किसके साथ, जो राजस्थानी है, पंजाबी खत्री वोटर है वो किसके साथ, और अलग अलग जगहों पर चाहे झुग्गियों में रहने वाला वोटर हो, बिल्डिंग में रहने वाला वोटर हो, उसने किसके पक्ष में किया है मतदान। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे शाहीन बाग की। शाहीन बाग हर बीजेपी नेता की जुबान पर शाहीन बाग था, लेकिन बड़ा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाया शाहीन बाग, इसी पर चर्चा ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।